पूर्वांचल के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई। पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में मुन्ना बजरंगी की पेशी होनी थी। मुन्ना बजरंगी को रविवार झांसी जेल से बागपत लाया गया था। उसे तन्हाई बैरक में कुख्यात सुनील राठी और विक्की सुहेड़ा के साथ रखा गया था। इस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत जिला जेल के जेलर, डेप्यूटी जेलर समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जेल में थे, कुछ मामलों में वह यहां पर वांछित थे, उनकी हत्या हुई है, ये मामला सामने आया है। इस मामले में प्रथम दृष्टया जेलर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबन के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कराए जाने की आशंका जताते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की थी। अपनी बात माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे पति की जान को खतरा है, उन्हें उचित सुरक्षा दी जाए और उनके जो उनके प्रति जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी फर्जी एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है, यह षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र में यूपी एसटीएफ के अधिकारी और जो है हमारे पुलिस के भी अधिकारी प्लस कुछ सफेदपोश प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो सब मिलकर इस साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं कि उनका फर्जी एनकाउंटर। मुन्ना बजरंगी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा ने 29 जून को हत्या की आशंका जताई थी। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। मुन्ना का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूरे दयाल गांव में हुआ था। मुन्ना बजरंगी ने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मुन्ना ने इसके बाद जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। मुन्ना ने जौनपुर के दबंग गजराज सिंह का संरक्षण हासिल किया था। 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी थी। गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर दी। 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया था। मुन्ना बजरंगी ने साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय को खत्म करने की साजिश रची थी। 29 अक्टूबर 2009 को मुन्ना को मुंबई के मलाड से गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठा ही रहा है, साथ ये भी बताने के लिए काफी है कि कैसे जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।